नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसान नेताओं ने आपको बता दिया कि शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही आपको बताते चले कि 5:30 बजे फिर से मीटिंग होगी और यहां पर किसानों के बीच में भी बातचीत होनी है। और इस दौरान जगजीत सिंह ने भी कहा कि केंद्र सरकार से हम पिछले आंदोलन में किए गए वादे और इस आंदोलन में रखी गई मांगों को पूरा करवाने के बाद ही धरना समाप्त करेंगे। आज बैठक सरकार के साथ होगी, उसका भी अभी मैसेज आया कि 5:30 बजे शाम को हमारी बैठक शुरू होगी सरकार के साथ। और हम एक बात आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका मसले का हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है, आगे जहां पे बैरिकेडिंग हुई है वहां पे पुलिस हो, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार के जेड़ा मंत्रियों के दफ्तर नाल मीटिंग सी, जदों वह मीटिंग समाप्त हुई है 1:30 बजे, ये नोट करने वाली गल है भी उन्हें इस शर्त ते ही गां आह मीटिंग जी एतवार वाली मीटिंग है एक्सैप्ट की गई सी। बकायदा उत्थे जेड़ा सांझा लिखती जेड़ा ब्रीफ देना सीगा प्रेस नूं, वह भी तय होया। जो लाखों करोड़ों की बात होती है एमएसपी के लिए, उसके लिए सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए ही चाहिए, और वो भी एक समय के लिए। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और रही कर्ज मुक्ति की बात, तो आप जितने भी चुनावी मैनिफेस्टो हैं 2000 से लेकर, चाहे वो किस 4 से लेकर अब तक के, सब में क्लियर लिखा हुआ था कि हम किसानों को मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे। और ये मजदूरों का भी उतना ही मोर्चा है, किसानों का भी उतना ही मोर्चा है, और उतना ही मोर्चा है तो देश के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका भी बराबर का मोर्चा है, अकेला सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं। धन्यवाद। मोगा के गांव खोसा रड़सी कला के दो परिवार आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा के लिए आनंदपुर और फतेहगढ़ साहिब गए थे, और सभी अपने गांव वापस भी आ रहे थे। और गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर पर मोगा आईटीआई के सामने इनके टेम्पो ट्रेलर के आगे आवारा पशु आ गया। आवारा पशु से गाड़ी टकराने से हादसा हो गया है, और जिसमें करीब 15 से 16 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें समाजसेवी संस्था के अगु नगर निगम मेयर बलजीत सिंह शानी ने अपनी टीम के साथ में मोगा के सरकारी अस्पताल में भी पहुंचाया। और आपको बता दें कि इलाज के दौरान टेम्पो चालक की मौत भी हो गई है, और वहीं कुछ गंभीर घायलों को फरीदकोट रेफर भी किया गया है। घायलों में कुछ लोग एनआरआई भी शामिल हैं। तेरी को मर्जी जी देखी। टोटल पेशेंट दे मरीजों दे विचों बच्चे किन्ने ते लेडीज किन्ने? दो बच्चे सीगे, लेडीज भी सी, बाकी मेल भी सी। कुछ पता लगा मालूम था कि एक्सीडेंट किवें होया? केड़े एरिया च? वो कह रहे कि कार उन्होंने सामने आ गई। 16 ठीक है। यात्रा वास्ते गया सी गुरु साहिबां दे दर्शन करके, ते जिहड़े कि उत्थों वापस ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਜੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਗਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10-12 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको बता दी कि किसानों के हक में प्रेस वार्ता की है, जिसमें केंद्र और पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एमएसपी है वो 40 रुपए बढ़ती है साल में, तो भाई 2019 तक बॉर्डर खुले थे, खोल दो बॉर्डर। आप एसएसपी द्वारा शनाख्त कराते हो, फिर पासपोर्ट इश्यू करते हो, 99% सही लोग, आप स्कैनर लगाओ, हर एहतियात बरतो। अगर आपको देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है, मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता हूं, कार्गो फ्लाइट शुरू करो,
मैं कह रहा हूँ 33 देश हैं, आप ये नाम क्यों ले रहे हैं साहब? उज्बेकिस्तान, मैं नाम लिखता हूँ, कजाकिस्तान, अर्मेनिस्तान, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, 30% वीट कम हो गई, आप यहां से ले रहे हो, आप मुनाफे कमा रहे हो, कितना दिया किसान को? किसान आंदोलन के चलते पंजाब में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। पटियाला के शंभू, जुलका और साथ ही पारसिया, पातुड़ा और घनौर, देवीगढ़ और श्री मुक्तसर साहिब के किलियावाली इलाके में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहेंगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑर्डर भी जारी किए हैं। दसुआ के अड्डा गरना साहिब नजदीक घुमन पेट्रोल पंप पर बीती रात 3 अज्ञात लुटेरों ने पिस्टल की नोक पर 16,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। पंप पर लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। साथ ही आपको बता दें कि करिंदे अमरपाल सिंह ने भी बताया कि रात 7:30 बजे 3 लुटेरे मोटरसाइकिल पर आए और भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए पुलिस को रात में गश्त ज्यादा करनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि एएसआई जगर राम का भी कहना है कि रात इस संबंध में पंप के कर्मचारी अमृतपाल सिंह के बयानों के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और जल्द ही लुटेरों को काबू भी कर लिया जाएगा। सर अपना मैं साफ सुफ कर रहा था, लुटेरे आए हैं 3 बाइक पे, उन्हें पहले मैनेजर ने फड़िया, उसके रूम च गए आ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਭੰਨੇ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਇਆ ਤੇਲ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਬੋਦਲਾ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। आपको बताते चलें कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पूरा मामला दमोह का है जहां पर 16,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए हैं और पेट्रोल पंप पर 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। नेशनल हाईवे पर एसएसपी दफ्तर के सामने 2 हादसे हुए हैं। करीब 500 मीटर में हुए इन हादसों में 7 से 8 गाड़ियां टकरा गई हैं, 3 लोग घायल हो गए हैं। खन्ना के गांव भादला में एक युवती की शादी है और परिवार के लोग उसे कार से पार्लर लेकर जा रहे थे और रास्ते में धुंध के कारण कार ट्रक से टकरा गई। गनीमत यह रही कि कार सवार लोगों को चोट नहीं लगी है। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सतनाम सिंह हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर आए, तभी ट्रैफिक चालू करवा दिया गया। सतनाम सिंह ने भी कहा कि कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और कुछ भी जानमान का नुकसान से बचाव कर रहा है और घायलों को भी सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बताते चले कि 7 से 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई, घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज भी लगातार जारी है। एसएसपी दफ्तर के सामने ये पूरा हादसा हुआ है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर 7 से 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं जिसके बाद में कई लोग चोटिल हो गए हैं, तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ ਖੜੀ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ ਉਹ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਰੋਡਵੇਜ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਟਰੱਕ ਵੈਸੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ
ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਧੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾੜ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਫਰਕ ਰਹੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਦਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਇਹ ਜੀ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਡਿਵਾਰਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦੀਜੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਮੇ ਵੀ ਕਈ ਮਧਿਅਸਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆੰਦੋਲਨਰਤ ਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋ ਕਾ ਦਰਦ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਾ ਮਹਿਲਾਏ ਔਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨੋ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਓ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦੋ ਸੇ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਗ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਜੋ ਵਿਅਥਾ ਹੈ उससे सारा देश उनके साथ सहानुभूति रखता है, और उस सारे देश के अंदर सुनील जाखड़ भी शामिल है। एक राजनीतिक दल बीजेपी के प्रधान होने के नाते नहीं, परंतु खुद एक किसान होने के नाते भी, और एक पंजाबी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते किसान की व्यथा के प्रति सबके दिल में दर्द है। ये आज कोई पार्टी या दल खड़ा होके या कोई अपने आप को नेता बनाने के लिए आके भी हम किसानों के साथ हैं तो मैं समझता हूँ वो एक उस भावना का मजाक है, क्योंकि सारा देश उनके महत्व को समझता है और सलाम करता है। और मैं इस बात को लेके सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, कोई भी उनके मंतव्य हों, राजनीतिक मकसद से या किसी भी मकसद से जो बात कर रहा है, कि किसान को किसान ही रहने दीजिए। किसान को कोई धर्म का रूप देके, कोई एक वर्ग विशेष के साथ जोड़ के, या एक किसी ज्योग्राफिकल एरिया या किसी को एक क्षेत्र से जोड़ के ना देखा जाए। किसान किसान है, किसान चाहे वो पंजाब में बैठा है, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा है, सबकी व्यथा करीबन करीबन यही है कि किसान आज अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा है, और उस आवाज़ के प्रति उसको उस दृष्टि देखा जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गंभीरता से, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को चार वर्ग में जिस तरह से बात की है कि हमारी मातृशक्ति, हमारा युवा, हमारा किसान और हमारा गरीब, और मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से देखा जाए तो किसान ये वर्ग चार से सिमट के तीन पे आ जाएंगे। किसान और गरीब मैं समझता हूं पर्यायवाची हैं। कुछ मैंने इस किस्म की डिबेट्स भी देखी हैं जहां पे इस किस्म के भी इल्जाम लग रहे हैं कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो बात कर रहे हैं, कोई किसान की बात नहीं हो रही, कि बड़े लोग अपनी बात कर रहे हैं। नहीं साहब, जो किसान है वो, चाहे आपने खुद देखा है साहब, यूरोप देख लीजिए, चाहे अमेरिका देख लीजिए, किसान हर जगह आज व्यथित है, क्योंकि किसानी के अंदर जो समस्याएं हैं कि जो कि कुदरत पे आधारित है, कोई किसी किस्म की उसमें निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता की भावना से किसान जब संघर्ष कर रहा है तो सारों की सहानुभूति उसके साथ में है। एक, किसान को किसान रहने दिया जाए, और दूसरा, किसान को जब बात की जाती है कि किसान चाहे वो 50% है, 45% है, या कोई 55% कह देते हैं भी, पूरे देश के अंदर 55% के करीब जो लोग हैं किसानी से जुड़े हुए हैं, परंतु
कहते उनकी देश के आर्थिकता के अंदर जीडीपी का जो पैमाना लगाया जाता है जिसके अंदर महज 15% उसका योगदान है, उस दृष्टि से ना देखा जाए साहब। और हमारे तो पंजाबी में कहावत है कि जग जिउंदियां दे मेले, अगर जिंदा रहेंगे तो साहब आर्थिकता सूझेगी। जिंदा है जितनी अहमियत देश की फौजों की है हमारी ज्योग्राफिकल सॉवरेन इंटेग्रिटी को बनाए रखने की, उतनी ही महत्ता मैं समझता हूं हमारे किसान की फूड सिक्योरिटी के लिए भी है। जो लोग ये बात करते हैं कि किसानी का योगदान तो सिर्फ 15% है और वो रोज यहाँ पे आके धरना लगाने की बात करते हैं, वो लोग मैं समझता हूँ उनको पीएल 480 के दिन याद नहीं जब लाल रंग की मैक्सिकन कणक वहां से आया करती थी और यहाँ पे जहाज के इंतजार में लोग बैठे रहा करते थे। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है किसान को सहानुभूति दृष्टि से देखा जाए, देश उनके साथ उनकी समस्या को समझता है और उस देश की भावना को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 3 सीनियर मंत्री को भेजा है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि इस मसले का कोई न कोई हल निकलेगा। और जहां पे मैं बात कर रहा हूं बाकी लोगों से अपील कर रहा हूं, वहीं मैं मेरे किसान साथियों से भी, किसान सुनील के घर पे लगाएं बिल्कुल उनका स्वागत है, मैं समझता हूं उनका जो दर्द है मैं समझता हूं, करें बिल्कुल उनकी बात को यहां तक पहुंचाने के लिए हर किस्म का वो जो कर रहे हैं, पर मेरी बेनती यही है कि शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए। कुछ लोग इस किस्म के भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा झटबंदी के लिए आपको बता दें कि जोगिंदर सिंह उग्राहा की 5 सदस्यीय कमेटी ने फैसला लिया है कि उनका संगठन आने वाले दिनों में पंजाब के सभी टोल प्लाजा को 2 दिनों के लिए फ्री करेगा। और बीजेपी के 3 बड़े नेता पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और केवल ढिल्लों के घरों के बाहर लाइन लगी रहेगी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से ब्लॉक भवानीगढ़ के नजदीक कालाझार टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा को फ्री करवाया गया। इस मौके पर भी भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के सदस्यों ने बताया कि अगर केंद्र सरकार उनकी साथी जो बैठे हैं यदि पंजाब हरियाणा सीमा पर अत्याचार बंद नहीं किया गया तो उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भविष्य में ये संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। आज जो साडे किसान भरा दिल्ली दे लड़ाई वास्ते शंभू बार्डर से खनौरी बार्डर के उपर लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने संबंध में कल भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की सूबा कमेटी ने जोड़ा 2 दिन का ऐलान किया कि पंजाब के टोल प्लाजे ने जोड़े सारे वो फ्री किए जाएंगे और नाल ही 3 बीजेपी के जोड़े व्डे आगू ने उन्होंने घर का घराओ किया जाऊगा। कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग करके जोड़ा अगला ऐलान आ जेकर केंद्र सरकार नहीं चुकती तो अगला ऐलान आ जोड़ा संयुक्त मोर्चे वालों भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा वालों ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌੜ ਜੱਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਜਾਨਚੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ 24 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ 13.5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अमृतसर पठानकोट हाईवे पर स्थित कथुनंगल टोल प्लाजा पर आपको बता दें कि कई किसान संगठन एकत्रित हुए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों का भी कहना था कि वो अपनी मांगों के लिए ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं और दूसरी ओर सरकार मांग भी पूरी नहीं कर रही और इसके साथ ही मांगने का अधिकार भी छीन रहे हैं। और हरियाणा सीमा पर जो किसानों से अत्याचार किया जा रहा, जैसे कि किसान इस देश के निवासी ही नहीं है, ये आरोप किसान संगठनों की तरफ से सरकार पर लगाए गए हैं। किसानों आना अजकल मजबूरी हो गई कि हम किसान जी फसलों के नाल नस्लों के भी हम नस्लों की गल आ गई। जे अज अं ना उठे तो साड़िया गाड़ी नस्लों भी आने वाली नस्लों भी बर्बाद हो गई, जो पहला ही बर्बादी वाले जेडे देश में पहला ही बर्बादी वाल देश के नाल नाल किसानों बर्बादी के किनारे पर लाए हूँ। साढ़े अगे हालात तो बहुत पहला ही माड़े ने किसानों के भी, तो आने वाले समय च हो सकता जे अज ना ही उठे तो इदों भी हालात जेडे किसानों के माड़े हो सकते। बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चे की अज कॉल सी कि 3 घंटे लिए पंजाब के सारे टोल प्लाजे फ्री कराने तहत ही अब आप इतने कथुनंगल टोल प्लाजा फ्री कराया सारी जथेबंदी सारे पंजाब के फ्री अज और जी है ये साडे किसान वीर फ्रंट से उत्थे लड़ रहे हैं उन्होंने ताकत देने लिए अज अं टोल प्लाजे फ्री किए हैं क्योंकि साड़ी कल बंद की कॉल आ पहला भी दिखती है वो पूरा भारत बंद होना है 4 बजे तक सवेरे 6 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक पूरा भारत बंद है। दुकाना रोड सारे बंद ने उसके तहत आप सारे रोड जोड़े हाईवे जाम भी करा कल 4 बजे तक। तो जोड़ा बटाले का हाईवे है पठानकोट अमृतसर हाईवे वो आप जोड़ा साल ए आ शहरी कलसी दफ्तर के बिल्कुल लागे वो हाईवे आप जाम करा कल 4 बजे तक 12 बजे तो 4 बजे तक। मेरी अपील भी है किसानों मजदूर मुलाजमान क्योंकि ये जरा बंद की कॉल दी गई है सारे की सांझी कॉल है ये सारे के मुद्दे ने किसानों के भी ने मजदूर के मुलाजमान भी ने वो तो वे शमूलीयत कर अपना अपने जोड़े मुद्दे वो भी सरकार को मना सकी और जोड़े साडे भरा उ फ्रंट से लड़ रहे हैं उन्होंने भी बल दईए क्योंकि हमेशा गेम के जो टीम पूरी लड़े तो ही जित होती है जे वो फ्रंट से लड़ रहे हैं आप सेंटर से है कुछ बैक से है। फिलहाल इस बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।